आई नो गाइस, मैं जानता हूँ ये यूएस बहुत सारे लोगों का ड्रीम है यहाँ रहना, सच में, या कह सकते कि ड्रीम लैंड। बट यही सबसे बड़ी दिक्कत है, स्नो और यहाँ का वेदर। क्योंकि यहाँ पे बाइक्स या टू व्हीलर इतने ज़्यादा इसीलिए नहीं चलते कि यहाँ पे वेदर का कोई भरोसा नहीं है। ये हाईवे आ गया मेरा वापस, जो कि इसको भी साफ करना पड़ रहा था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। पहले तो गाइस, आई एम रियली सॉरी कि इस वीक में मैंने वीडियो ज़्यादा अपडेट डाली नहीं। जैसे कि देख सकते हो यार, वापस से स्नो और स्टॉर्म आया, तो कहीं बाहर आना जाना ही बेसिकली बंद है लास्ट 2 दिन से। और ऊपर से थोड़ा नुकसान हुआ वो अलग से है कि जैसे कि देखो, ये पेड़ गिर गया है मेरी प्रॉपर्टी पे। ये तो चलो गिरा है तो इसको कोई बुला के इससे उठवा देंगे, बट जो एक्चुअली में जो नुकसान हुआ है वो दूसरी तरफ है, जो मैं आपको लिख के चलता हूँ क्या नुकसान हुआ है। एक्चुअली एक बड़ा पेड़ फेंस पे गिर गया, जो हमारे घर के पीछे बैकयार्ड के, तो यहाँ से लेके जाता हूँ और आपको बताता हूँ। हाँ, अभी जो जो फेंस गिरा है ना, वो नुकसान जो दिखाने जा रहा था, एक्चुअली मैं वो गिरा है वो है ही बड़ी चीज़, पर जो पेड़ गिरा है उसको भी लेके जाने के लिए लोग बुलाने पड़ेंगे। और आगे से दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हो, ये पूरी लाइन है पेड़ की, और ऐसी लाइन इस तरफ भी है। तो ये तो ड्राइवे हो गया रास्ता आने का, और ये रास्ता नहीं है, ये कहने के लिए लाइक पीछे का दरवाजा है। आप देख सकते हो ये ट्री हाउस है, बच्चों के खेलने के लिए। अभी बच्चे हैं नहीं फ्यूचर में, बट अभी ये झाड़ है, और ये नीचे का बेसमेंट का दरवाजा है। तो आई गेस ये वाला गिरा, और ये स्नो भी मेल्ट होना चालू हो गया है, होपफुली जल्दी से हो जाए। तो अभी हाँ, ये वाला गिरा, इसको वो एक बंदा सुबह आके भी गया, उसको काट दिया, पीसीस कर दिए। वो एक भाई को बुलाया था, क्रिस नाम है उसका, वो ट्री रिमूवल और मतलब ट्री के पूरे भी सब काम करता है, जैसे कि झाड़ गिराना है, पेड़ की गिराना है, काटना है, या जो भी करना है। दिक्कत यह है कि ये जो फेंसिंग है ना बोर्ड बाउंड्री पे, मतलब जो ये पीछे का पूरा बैकयार्ड कवर करती है, अभी ये टूटी है, इसका खर्चा, इसको ले जाने का खर्चा, वो सब सही है जो खर्चा हम बोल रहे हैं कि लाइक इसको लेके जाने का खर्चा, लाइक इसको रिपेयर करवाने का खर्चा, स्टिल अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी तूफान वूफान आता है तो होता भी है। सबसे बड़ा मेरा जो नुकसान है, ये टूटने की वजह से अभी इतनी ठंडी में मैं बाबूलाल, चंपा और ये सबको बाहर लेके चल के जा नहीं सकता हूँ। तो वो क्या है, ये जैसे बैकयार्ड है हमारा, एक मिनट ठीक से, हाँ, तो यूजुअली मैं या रेचल क्या करते हैं, वो बैक डोर है। आई एम नॉट श्योर यहाँ से कैसा दिख रहा है, बट आपको दिखा, हाँ ये वाला, तो ये बैक डोर है, वहां से हम दरवाजा खोलते हैं, बाबूलाल चंपा या हमारे जितने भी डॉग हैं आएंगे यहाँ पे, अपना काम काज खत्म करेंगे और वापस चले जाएंगे। अभी ये जो मैं चीज बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं जिनके घर पे डॉग्स पेट रखते हैं उनको पल्ले पड़ गया कि मैं क्या क्या कह रहा हूँ। अभी यूजुअली जिनके पास इतनी बड़ी जगह नहीं होती, उनको दिन में 2 या 3 बार
डॉग को लेके वॉक पे जाना होता है। अभी मैं रेचल काम इतना करते हैं, टाइम होता है नहीं होता है। और अभी दिक्कत यहाँ पे ये आई कि अभी बाबूलाल चंपा जो कि हमारे डॉग है, वो सिर्फ अकेले नहीं थे, हमारे डॉग के साथ मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी साली के डॉग थे, उसका नाम है डीडी एंड लूना, ये दो थे। तो दो हमारे, दो और उनके दो, चार। अभी ये पूरे वीक से हमारे घर पे थे। तो जैसे ही मैंने ये दरवाज़ा खोला, अभी मुझे मालूम नहीं था कि ये टूटा हुआ है, तो मैंने ये दरवाज़ा खोला और चारों बाहर आए, तो हमारे दो जो बाबूलाल है, चंपा है, और आई गेस दे आर गुड बेबीज, उन्होंने जैसे ही देखा कि रास्ता टूटा हुआ है, ऐसा है, ये दोनों मतलब डीडी लूना भाग गए, मेरे साली के जो डॉग है वो, तो ये दोनों सीधा हमारे डोर पे आ गए वापस, बोले कुछ लग रहा है। तो मैंने डोर खोला, देखा तो पे सबसे पहले बाबू चंपी को अंदर किया और इनके डॉग को ढूंढना चालू किया। अभी इनके डॉग इधर से तो ये टूटा हुआ रास्ता देख के वो लोग तो मजाक मस्ती में निकल पड़े। अभी अभी ये लोग मस्ती में निकल पड़े, पर दिक्कत, एक मिनट में बाहर निकल जाता हूँ पहले। हाँ, ये लोग निकल पड़े, पर मेरे लिए चैलेंज वो था कि अभी जो स्टॉर्म है वो रुका हुआ है, मतलब स्नो पड़ नहीं रहा है इधर, इसको एक क्या बोलते हैं, व्हाइट आउट जैसा बोलते हैं, व्हाइट आउट इज द कि स्नो और विंड, एकदम जबरदस्त हवा चल रही है, स्नो गिर रहा है, और बेसिकली जित जहाँ से ये कैमरा होल्ड कर रहा हूँ और मैं इधर खड़ा हूँ, तो मुझे इतने में ही कुछ दिखेगा नहीं। तो जैसे कि ये हमारा केज और बॉक्स पड़ा है ना, तो मैं यहाँ से उतना भी देख नहीं पाऊँ, वह उसको बोलते हैं व्हाइट आउट, तूफान। तो मतलब स्नो गिरता है, जबरदस्त विंड है। अभी वैसे में ये दोनों भाग गए, साला मैं डर गया कि ढूंढू कहाँ उन लोगों को। उसके रिकॉर्डिंग मैंने करने का ट्राई किया था, बट मेरे हार्ट बीट बहुत फास्ट थे, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना, इट वॉज नॉट माई थिंग। मुझे प्रायोरिटी वॉज कि मुझे उनको फाइंड आउट करना था। तो मैंने आई थिंक एक दो फुटेज ली है, आप लोगों को शेयर करता हूँ, आई गेस आई कैन शो यू। ये तूफान में, ये तूफान की वजह से ये जो दीवार बनी हुई थी, ये पेड़ नीचे गिरा, और इसके चक्कर में ये दीवार टूटी। दीवार टूटी उसका नुकसान नहीं है, पर अभी मेरे घर पे चार डॉग थे, बाबूलाल, चंपा, लूना एंड डीडी। अभी वो दो गुम हो चुके हैं कहीं पे, उनको ढूंढ रहा हूँ मैं, बाकी दो को घर पे लॉक कर के आया हूँ। डीडी डीडी, एक मिल चुका है, अभी एक ढूंढना है। थैंक गॉड यार, मेरे साथ छोड़ के गए मेरे भरोसे पे। अभी मुझे कहाँ मालूम था कि बाहर डेडी गुड का। हाँ, तो ये मेन रोड है, वो अगर दौड़ते होते, मतलब यहाँ से वहाँ भाग रहे होते, तो कोई भी गाड़ी के नीचे आ सकते थे। और जिनके घर पे पेट या डॉग होगा, वो समझ पाएगा कि एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं, एक
फैमिली मेंबर होता है, घर का सदस्य ही है ऐसा समझो। फाइनली ऑल आर गुड या बट इम्पोर्टेंट जो थिंग था कि इन लोगों को फाइंड करना वो हो गया, और ये मेरा जो नुकसान हुआ है टूटा फूटा चीज़ उसको भी आई गेस 2-3 वीक लगेंगे, क्योंकि जब तक ये स्नो क्लियर नहीं होगा तब तक ये लोगों का ट्रक या कोई इक्विपमेंट भी यहाँ अंदर नहीं आ सकता। तो यही रीज़न था गाइस कि मैं और वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मेरा टाइम ज़्यादातर इन लोगों के पीछे ही चला गया जो था। अभी तो स्नो है, स्नो ख़त्म होगा जैसे ही समर चालू होगा वैसे ग्रास आएगा, आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। बट आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। 2-3 दिन में मिलते हैं। चलो बाय।